यूनिवर्सिटी ऑफ अपलाइड साइंस UAS। UAS का मतलब नहीं अपन पता होंदा ते अपन पता नहीं होंदा कि अपन यूनिवर्सिटीज दे विच अप्लाई करना चाहिए या यूनिवर्सिटी ऑफ अपलाइड साइंस दे विच अप्लाई करना चाहिए। मैं इस वीडियो दे विच थोड़े लई प्रोपर टॉपिक लेके आया। तुसी चे बैचलर दे लई अप्लाई कर रहे हो, चे तुसी मास्टर दे लई अप्लाई कर रहे हो, UAS यूनिवर्सिटी ऑफ अपलाइड साइंसेज होती हैं दो, मतलब कि इस दे विच मास्टर दा बैचलर दे लई भी अप्लाई आपां कर सकते। सब तो पहला तो मैं गल करूंगा एडमिशन क्राइटेरिया दोनों दे विच की डिफरेंस है। एडमिशन रिक्वायरमेंट इज नोट हार्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। भी आपां UAS यूनिवर्सिटी दे विच एडमिशन लैण दे लई बैचलर दे लई कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हैगी एडमिशन लैटर लेना, बट मास्टर दे लई एटलीस्ट 3 साल दा वर्क एक्सपीरियंस मंगते हैं। इस दे नाल नाल जे तुसी रिसर्च यूनिवर्सिटी दे विच अप्लाई करोगे बैचलर दे लई अपना जेड़ा अप्लाई होगा रिसर्च यूनिवर्सिटी दे विच उस दे विच ईजीली अप्लाई हो जू, बट रिसर्च यूनिवर्सिटी दे विच बैचलर दी ड्यूरेशन होगी वह होगी 3 साल। 3 साल दी बैचलर होगी, बट UAS यूनिवर्सिटी अपलाइड साइंस यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ी बैचलर दी ड्यूरेशन होगी वह 3.5 साल तो लैके 4.5 साल की थोड़ी होनी जरूरी है। उस तो बाद रिसर्च यूनिवर्सिटी मास्टर जिहड़ी होगी रिसर्च यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ी मास्टर होगी वह 2 साल की होगी, तो जिहड़ी UAS यूनिवर्सिटी होंदी है उस दे विच जिहड़ी मास्टर होगी वह 1 साल तो लैके 1.5 साल की होगी। ट्यूशन फीस जिहड़ी हैगी है UAS दे विच घट होगी रैदर दैन रिसर्च यूनिवर्सिटी दे नालों। जे हुण आपां कहां किन्नी आऊगी ट्यूशन फीस आऊगी 6,000 यूरो तो लैके 10,000 यूरो तक, बट ये डिपेंड करता है थोड़ा कोर्स केड़ा है किहड़ी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो। ईवन के थोनों 10% तो लैके 20% का थोनों पता है कि थोनों डिस्काउंट वगैरह भी मिल जूगा। यूजली रिक्वायरमेंट क्राइटीरिया इजीली दैन रिसर्च यूनिवर्सिटी। उस तो बाद रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफर मास्टर प्रोग्राम और बैचलर डिग्री। थोनों पता है सारे कैंडीडेट नू पता है जदों आपां मास्टर दे लई फिनलैंड दे लई अप्लाई करना है उस टाइम आपां नू 2 तो लैके 3 साल दा वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। जे तुसीं UAS यूनिवर्सिटी दे विच अप्लाई करोगे तो 2 तो लैके 3 साल दा वर्क एक्सपीरियंस मंगणगे, बट जे तुसीं रिसर्च यूनिवर्सिटी दे विच अप्लाई कर रहे हो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ UAS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, पर इंटरनेशनल रैंकिंग दे विच यूनिवर्सिटियां जेड़ियां नहीं आउंदियां उहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां दी स्टडी नहीं वधिया, वह चंगी नहीं स्टडी कराउंदे जां प्रैक्टिकल नहीं चंगी जां यूनिवर्सिटियां हाई लैवल दियां नहीं हैगियां। उहदा मतलब है कि यह रिसर्च दे टॉपिक नहीं कराउंदे। जेड़ियां UAS यूनिवर्सिटियां वह आपां नूं रिसर्च दे टॉपिक नहीं कराउंदे। जे तुसीं वाकई प्रैक्टिकल वर्क अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हो अपने वर्क दे रिलेटेड सीखना चाहते हो तुम मकैनिकल स्टडी करनी है इलैक्ट्रिकल स्टडी करनी है बिजनेस स्टडी करनी है उस स्टडी दे रिलेटेड वर्क भी करना चाहते हो। जे तुसी ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते थ्योरेटिकल वर्क नहीं करना चाहते ज्यादा प्रैक्टिकल करना चाहते हो फिर UAS यूनिवर्सिटी बैटर है। बट जिहड़ियां रिसर्च यूनिवर्सिटियां ये किहदे वास्ते होंदियां जिन्होंने PhD करनी जिन्होंने विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अप्लाई करना है मास्टर दे लई जिन्होंने मोर प्रैक्टिकल करनी है मोर नॉलेज गेन करनी है घट फीस दे विच जाना है वधिया यूनिवर्सिटी दे विच जाना है उन्होंने लई UAS यूनिवर्सिटी है। बट इहदे लई
ਤੁਹਾਨੂੰ US ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।